Now we will read about the plants and animals here in polar regions. In spite of the freezing cold, there are plants and animals in the polar regions. When the snow melts in summer, a thin layer of soil appears in which short shrubs, grasses and mosses grow. But the lower layer of the soil remains frozen. So trees and deep-rooted plants cannot grow here. Very simple. जब यहाँ पे थोड़ा सा समर्स आती हैं फॉर सम टाइम, व्हाट हैपेंस, जो लोअर लेवल का जो ग्राउंड होता है वहाँ पे क्या होता है, सॉइल दिखने लग जाता है. जब सॉइल दिखता है तो थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट प्लांट्स, ग्रासेस, मॉसेस, ये जो ग्रो होती हैं वहाँ पे, ये ग्रो होती हैं. बट जो डीप होता है उस लैंड, जो वो पोलर रीजन का लैंड है, वो डीप अंदर से जो होता है बिल्कुल फ्रोजन होता है, जैसे बर्फ़ नहीं जमी होती है. सो अंदर से पूरा लैंड के अंदर बर्फ़ है, जमी है, बट हल्का सा वो ऊपर ऊपर से क्या होता है, बर्फ़ पिघलती है और वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं. सो ड्यू टू द डीप इनसाइड फ्रोजन सॉइल, वहाँ पे क्या होता है, उसकी रूट्स जो होती हैं वो अंदर तक नहीं जा सकती. प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीप नहीं जा सकती सॉइल के. दैट इज़ वाई वहाँ पे जो है बड़े बड़े प्लांट्स और ट्रीज नहीं होते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न डीप रूटेड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर. ओके, नाउ मोस्ट एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन टू कीप देम वॉर्म एंड मैनी हैव थिक फर. सम ऑफ देम माइग्रेट और मूव सीजनली टू वॉर्म प्लेसेस टू एस्केप द हार्श विंटर एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस सीजन. नाउ जैसे लैंड की अंदर से एक फ्रोजन लेयर होती है, सेम वे एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी गॉड ने, जस्ट इमेजिन, गॉड इज सो ग्रेट, उन्होंने ऑलरेडी एनिमल्स के अंदर क्या दे रखा है, एक ऐसा फॉर्मूला दे रखा है. उनके अंदर जो स्किन होती है, स्किन के अंदर एक और मोटी थिक फैट दे रखा है उनको, फैट की एक थिक लेयर दे रखी है टू कीप देम वॉर्म, उनको गर्माहट देने के लिए, उनको वॉर्म रखने के लिए. किसको? एनिमल्स को. नाउ सम किसी को ये दे रखा है एंड सम एनिमल्स गॉड हैज गिवन फर, वहाँ के एनिमल्स को फर दे रखे हैं टू कीप देमसेल्फ वॉर्म एंड मैनी हैव थिक फर. सम ऑफ देम माइग्रेट, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसको आप हाइबरनेशन भी बोलते हैं. सम एनिमल्स गो इन टू हाइबरनेशन फॉर फ्यू मंथ्स, दे गो टू अनदर प्लेस एंड स्लीप देयर और मोस्ट और मूव सीजनली टू वार्मर प्लेसेस टू एस्केप द हार्श विंटर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड ड्यूरिंग दिस सीजन. कुछ एनिमल्स उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं एंड सो दैट दे आर सेव्ड, ताकि वो बच जाएं किससे, हार्श वेदर से. आपको पता है श्रीनगर में कितना ठंडा होता है, हेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी इट इज़ टू कोल्ड हेयर, जस्ट इमेजिन. यहाँ पे तो सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए आता है विंटर एंड देयर इट इज़ विंटर फॉर होल ईयर, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ फ्रीजिंग कोल्ड देयर. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड होता है. तो वहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स जो उस फ्रीजिंग वेदर से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए दे शिफ्ट टू अनदर वार्मर प्लेस, कुछ गर्म जगहों पे चले जाते हैं एंड ऑल्सो टू गेट फूड, कुछ सो दैट दे कैन दे कुड गेट फूड इन सम अदर प्लेसेस एंड दे कुड बी सेव्ड, इसलिए वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. इन द आर्कटिक द प्लांट्स दैट ग्रो इन समर आर ईटन बाय एनिमल्स लाइक द रेनडियर, द मस्कॉक्स एंड द आर्कटिक हेयर. अमंग द प्रीडेटर्स ऑफ द आर्कटिक आर द पोलर बियर, द आर्कटिक वुल्फ एंड द आर्कटिक फॉक्स. आर्कटिक रीजन कौन सी जगह होता है, नॉर्थ में या साउथ में? आर्कटिक, इट इज इन द नॉर्दर्न जोन. सो आर्कटिक रीजन इज इन द नॉर्दर्न जोन. सो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स दैट ग्रो इन समर आर ईटन बाय एनिमल्स
यहाँ पे जो भी प्लांट्स समर्स जब आते हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे प्लांट्स मैंने आपको जो बताया वो ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं। कौन से एनिमल्स खाते हैं? रेनडियर, मस्कॉक्स एंड आर्कटिक हेयर, यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो खाते हैं। अमंग द प्रीडेटर्स ऑफ द आर्कटिक आर द पोलर बियर, यहाँ के जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स कौन होते हैं जो और एनिमल्स को खाते हैं? आर द पोलर बियर, द आर्कटिक वुल्फ एंड द आर्कटिक फॉक्स। यहाँ पे पोलर बियर भी होता है जो प्रीडेटर्स की कैटेगरी में आता है, एंड आर्कटिक वुल्फ और आर्कटिक फॉक्स। वुल्फ एंड फॉक्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, यू कैन सी देम इन दिस पिक्चर चिल्ड्रेन। रेनडियर्स आर एनिमल्स ऑफ द एंटार्क्टिक रीजन, लिव नियर द ओशन, दे ईट फिश और अदर एनिमल्स एज वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर। Obviously, when there are less plants, so what the animals will do? They will feed on other animals. वो और लोगों को और animals को खाएंगे, other animals को खाएंगे। और usually क्या होते हैं? They eat fish. Fish जो होती है बहुत easily मिल जाती है, तो वो ज़्यादातर वहाँ पर वही खाते हैं। Penguins are the most well-known creatures of the Antarctic. Penguins जो होते हैं, आपने you might have seen the movie also, in the pictures also, and TVs also you might have seen penguins. So most commonly they are found in Antarctic region. These birds cannot fly. Penguins, they cannot fly. They swim and fish in the sea. वो सिर्फ swim कर सकती हैं और fishing कर सकती हैं sea में, using their wings like paddles. अपने जो wings होते हैं उनको paddles की तरह use करती हैं. Paddles you have seen when you cycle, you what you do, you paddle the cycle, that's why same way they paddle their wings. The seas of the polar regions have different kinds of seals and whales. The north polar seas have walruses as well. Now what they are saying, the seas of the polar region have different kinds of seals and whales. Polar regions में different kinds of whales, whale fish and seal. Seal you can see here. No, seal is not given here. I will show you the picture. And walrus are found here. Polar regions mein different kinds of seals and whales. It is also a kind of fish which is found there. The north polar seas have walruses as well. Ab north polar region jo hai, that is the Antarctic region, wahan pe walruses are found. Walruses is this creature. You can see here this one. This is walrus. So it is found there. Now the Arctic tern migrates the longest distance from the Arctic to the Antarctic. Just imagine children, this bird is called the Arctic tern. Term or temp? It is tern. The Arctic tern, it is the name of a bird, this bird, and it migrates from the longest distance. ये सबसे ज़्यादा long distance cover करती है migration के time पे. कहाँ से? From Arctic, North Pole, to the Antarctic, South Pole. Just imagine. You know, nature is very unique. Now, we have read about plants and animals. Let's come to life of the people here in the polar regions. Antarctica does not have any people of its own. Antarctica जो continent है ना, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहते. You know what? Because it is not suitable for humans to live there. Climatic conditions are not suitable. Because इतना ठंड में कौन रहना पसंद करेगा पूरी ज़िंदगी भर ठंड में? Nobody likes, would love to live there. For some time they can go, but not for lifetime. They cannot stay there for lifetime. Scientists from different countries go there
to study the land, climate, plants and animals of the region. They live in the research station. Yes, scientists वहाँ पे ज़रूर आते हैं और वहाँ पे different different countries से scientists जाते हैं, वो plants, climates और animals और उस जगह के बारे में they do research and they live in research stations. Research station जो वहाँ पे बने होते हैं वहाँ पे वो रहते हैं, that have been built there, वहाँ पे बनाए गए हैं by many countries. Research stations are being built there. Now the Arctic on the other hand has been home to people for thousands of years. Now Arctic jo hai, Antarctic mein you cannot live, but in the Arctic region, polar region, you can live because it is home for thousands of people, thousands of years. Among the people living there are the Inuit of North America and Greenland, the Sami, also called Lapps of Northern Europe, and the Nenets of Northern Asia. So there are people who live in this Arctic region. So their names are given Inuits of North America and Greenland. यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, the Sami also called the Lapps. Lapps नाम के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, the Northern Europe and the Nenets of Northern Asia. यूरोप और एशिया में लोग यहाँ पे रहते हैं. People of the Arctic get food mainly by hunting animals such as seals, whales, musk oxen and walrus and polar bears. यहाँ पे जो होते हैं people usually hunt these animals such as seal, whales. Seal is a fish, whale also fish, musk oxen, walruses and polar bears. इन सब की जो होती है hunting होती है, यहाँ पे लोग इन्हीं को खाते हैं mostly. Food में fishing is also an important source of food in summer. They gather berries and food plants. Fishing also is done here. Fishing भी करी जाती है यहाँ पे. And summers में people gather berries. Berries होती है ना छोटी छोटी. They gather these berries and food plants. And food plants also grow there. Some food plants. Some people keep herds of reindeers for milk, meat and skin. यहाँ पे herding भी की जाती है of reindeer. I have shown you before. Reindeer होते हैं उनकी जो होता है उनको लोग पालते हैं. करते हैं मीट यूज करते हैं उनका, उनकी स्किन यूज करते हैं. देयर आर फार्म्स वेयर एनिमल्स आर रेस्ड फॉर फर. सम वर्क इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स. कुछ फार्म्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रेस करा जाता है, मतलब पाला जाता है उनके फर के लिए. उनकी स्किन में जो फर होता है उसके लिए उनको पाला जाता है. फिर उस फर से क्या होता है, कोट्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं. दे यूज इट फॉर दैट पर्पस. नाउ सम वर्क इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स. सम पीपल ऑल्सो वर्क इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, मतलब माइंस में वर्क करते हैं और ऑयल फील्ड्स में कुछ लोग काम करते हैं फॉर सर्वाइवल. इन आर्कटिक पीपल वेयर वेरी वार्म क्लोथ्स एंड हुडेड जैकेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. Now obviously it is freezing cold there. People must be wearing good warm clothes, you know, to protect themselves from this such a cold weather. So they usually wear hooded jackets to protect themselves from the cold. Clothes are made from the skin of animals like seal and reindeer. Nowadays cloth and synthetic materials are also used for making clothes. Nowadays what happens, वहाँ पर usually क्या होता है, animal fur से बनता है कुछ भी, coat, jacket, whatever, fur, animal fur से. So अब क्या होने लग गया है, अब धीरे धीरे gradually synthetic materials are also used for making clothes. Synthetic material भी use करने लग गए हैं clothes बनाने के लिए. The early people of the Arctic shifted from home often following the animals they hunted.
Now, many people have settled down in the towns that have been built. It is difficult to build roads and railways here as the ground is covered with snow most of the time. Children, यहाँ पे जो लोग हैं usually they used to Arctic region में they used to shift their home often. People earlier used to shift their home, but now they what happens? But now they do not shift. They settle down in one town and that have been built. जो town वहाँ पर बनाए गए हैं अब globalization हुआ है सब develop हो रहा है तो जो town वहाँ पर बन गए हैं अब वहाँ पर ही लोग settle हो रहे हैं. And यहाँ पर transportation थोड़ा difficult हो जाता है because railways यहाँ पर नहीं बनाए जा सकते, यहाँ पर roads नहीं बनाए जा सकते. Okay, ground, because ground is totally covered with snow. Most people have to travel with sledges pulled by huskies, thick coated dogs. Huskies, you know, dogs होते हैं huskies नाम के. उनके उनपे जो होते हैं लोग sledges बनाते हैं और उन sledges को क्या करते हैं huskies जो dog होते हैं they खींचते हैं वो उसको खींचते हैं. और by the reindeers, reindeers आपने देखा होगा Santa Claus आते हैं reindeer वाले sledges में. These days, many people use the snowmobile on land and motorboat in water. So, this is the snowmobile. It is a kind of a bike which you can ride on the snow. तो ये land की bike नहीं है, सड़क में जाने वाली bike नहीं है. It is only for snow. So it is called snowmobile. So these bikes are and lands and motorboats in water. Motorboats are also used in water and यहाँ पे ज़मीन में जो होता है स्नो मोबाइल यूज़ किया जाता है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग द इट्स अबाउट द पीपल ऑफ द इनुइट पीपल अर्लियर कॉल्ड एस्किमोज इनके बारे में बताया है. लिव्ड मेनली बाय हंटिंग, ये हंटिंग पे जीते हैं. एनिमल्स लाइक रेनडियर्स एंड सील्स दीज गेव द इनुइट फूड The skins were used to make blankets, clothes, tents and boats, and the bones to make tools and weapons. Skins जो होती है यहाँ पे seals की और reindeer की जो skin होती है वो use करते हैं लोग. Inuit food. The skins were used to make blanket, clothes, tent and boats. और skins जो animals की use करते थे ये blanket बनाने के लिए, clothes बनाने के लिए, tent, boats. Bones को use करते थे to make tools and weapons. Means पुराने ज़माने की बात हो रही है कि ये लोग यहाँ पे क्या करते थे. You can see here in this picture they are showing. Okay. And जो उनके जो bones होते थे, bones किसके लिए use करते थे वो? Bones to make tools and weapons. Seal oil was used for cooking and in lamps. Cooking के लिए क्या use करते थे? Seal का जो तेल होता है, oil बनाते थे, उससे वो cooking करते थे. The और lamps जलाने के लिए भी cooking use करा जाता था वो oil. The early Inuit were nomads. Nomads means they moved from one place to another place. The animals they hunted. Animals को लेके जाते थे, जो वो hunt करते थे उनको one place से दूसरी जगह लेके जाते थे. They lived in tents made of animal skin in summer and houses covered with sod in winter. Now they lived in tents made of animal skin in summer and houses covered with sod in winter. In winter, hunters made a shelter called an igloo with blocks of ice. जो winters में क्या करते थे? Hunters used to made a shelter called an igloo. Igloo जो घर बनाते थे hunters और वहाँ पे रहते थे. For travel and transport, the Inuits used sledges pulled by huskies. Travel और transport के लिए वो क्या करते थे? Huskies को use करते थे. For and उनके sledges बनाते थे. For hunting and fishing in the sea, they used a single seater seal skin boat called kayak or a larger open boat called umiak.
नाउ ये सील जो होता था, सील फिश होती थी, इसके स्किन का बहुत यूज़ करते थे, कुछ का ऑयल बनाते थे, थोड़ा लैम्प के लिए, कुकिंग के लिए, एंड उससे बोट भी बनाते थे ये, एंड उसको कायक बोलते थे, एंड ओपन बोट को ओमियाक बोलते थे। सो दिस इज अ चैप्टर अबाउट पोलर री You can see here, children, this picture. Huskies are pulling the sledge. People are wearing coat, woolen coats, and they are living in tents. Okay. So this was a chapter, children.